अभी आपको धारा बताएगा अपने बारे में रियली। भाइयों मैं जब फर्स्ट बार आया था तो सर हमें चार टाइम दौड़ाते थे, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी और रात के 11 बजे। तो 3-4 दिन में जो घर से खाया था वो तो सब खत्म हो लिया। यहाँ की दाल रोटी और छाछ मिलती थी तो उससे कुछ नहीं हुआ। पैरों में आवाज आने लगी, स्टेप ऊपर चढ़ते थे तब चट चट बोलते थे। हम 3-4 बंदे थे तो मैं सबसे पीछे दौड़ता था, कट भी मारता था उसमें, ग्राउंड में कट मार देता था सुबह के टाइम। मगर चार टाइम दौड़ रहा हूँ, इतना कितना दौड़ूंगा। और ये सोचता था कि ये तो सर हमें भी मरवाएंगे। ये तो साइकिल से, दोपहर में सर साइकिल से चलते थे, बाकी दो टाइम हमारे साथ भी दौड़ते थे तो हमें दोपहर ही मरवाएंगे। इतनी धूप में जाते थे लालचंद्रपुरा, फिर यहाँ आते थे रात को 11 बजे खाने के बाद में दौड़ करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा बेड़ा गर्क करवा के ही मानेंगे, बीमार हो जाएंगे। फिर उसमें क्या है कि मैं चटक बन गया तो भर्ती में 75 का फिजिकल कर पाया, 2 भीम नहीं दे पाया, 1 उन्होंने घटा दी तो इसलिए 1 मेरे लगी नहीं और 1 कम दे पाया मैं। फिर 2019 में दोबारा आया, सर से रिक्वेस्ट की थी मैंने, मुझे भी एडजस्ट करो, वैसे बैच फुल था इसमें, रिक्वेस्ट की। फिर मैं इसमें आया और 19 में मैंने 88 का फिजिकल किया और मैंने तैयारी भी की थी इसमें, तैयारी भी होती थी सर, तैयारी कराते थे, और 19 में मेरा फिजिकल फिट हो गया सब। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दारा ने किस प्रकार से स्ट्रगल किया। शुरू के अंदर 4 बार फिजिकल कराते थे तो दारा सोचता था यार मर जाएंगे, यहाँ पे दाल और छाछ और ये रोटी मिलती है, इससे कैसे होगा। लेकिन वो चीजें सारी की सारी एक शेड्यूल के अंदर होती है और एक प्रोसीजर के अंदर होता है सारा का सारा वे। जब वेट कम करना हो चाहे वेट गेन करना हो, यहाँ दोनों ही चीजें होती है। और फिजिकल बढ़िया 4 टाइम करवाते थे, उसका नतीजा इसको गांव जाने के बाद में पता लगा। जब अपने गांव में इसने कंपटीशन किया अपने 7 वार्डों के साथ, जब ये फर्स्ट आ गया जहां पर बच्चे रेस क्लियर किए हुए थे, फिर धारा को कॉन्फिडेंस हो गया 100% कि नहीं मैं लग जाऊंगा। और आज 4 साल के बाद में दारा यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं अपने गुरुजी से और मिठाई लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और ग्वाले बाबा के भी इधर जाके आए हैं, इनकी मन्नत भगवान ने पूरी की है। तो गॉड आप देख सकते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। भगवान की मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई होती है लेकिन वहां पे विश्वास किया जाना चाहिए आपको। यदि आप कहीं भी रहो मैं आपको बोलता हूं, आप विश्वास करो और जी जान से मेहनत लगाओ। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।